There is no other plant like rose plant in this world. I love to have them in my balcony because they attract pollinators for my fruits and vegetables and definitely looks beautiful, gorgeous and soothes the environment with its beautiful smell. Hi all. I hope you all are doing well. So today in this video we will talk all about rose plant. रोज़ प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, बट जो लोगों को कॉमन क्लासिफिकेशन मालूम है वो है इंडियन रोज़ जो कि देसी वेराइटी बोलते हैं और इंग्लिश रोज़ विलायती। इंग्लिश रोज़ समर्स में फ्लावरिंग नहीं देती है, बट इफ़ हम इसका प्रॉपर केयर करते हैं ड्यूरिंग द समर तो विंटर्स में हमें डेफिनेटली ढेर सारे फ्लावर्स मिलेंगे क्योंकि ये इसका फ्लावरिंग सीजन है। बट इंडियन रोज़ में हमें थ्रू आउट द ईयर फ्लावर्स मिलते रहेंगे। तो आज मैं आपसे जो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ वो इंडियन और इंग्लिश रोज़ दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो हम सनलाइट से स्टार्ट करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप अपने प्लांट को कभी भी सनलाइट की कमी मत होने दीजिएगा। आप अपने प्लांट को ऐसे जगह पे रखिए जहाँ उसे फिल्टर्ड सनलाइट मिले। स्पेशली इन समर उसे डायरेक्ट सन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आफ्टरनून का सन रोज़ प्लांट के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है इफ़ ये समर सीजन है। बाकी आप विंटर्स में डायरेक्ट सन में रख सकते हैं, बट ट्राई करिए कि उसे पार्शियल लाइट ही पड़े। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाटरिंग का। रोज़ प्लांट को रेगुलर वाटरिंग की बहुत ज़रूरत है। इफ़ इसे टाइम से पानी नहीं मिलता तो इसकी लीव्स फ्लावर्स सब झुकने लग जाते हैं, तो आपको क्लियरली मालूम चल जाएगा कि इसे पानी की ज़रूरत है। बट ड्यूरिंग समर्स आपको फ्रिक्वेंटली वाटर करते रहना है। जैसे ही आपको लगे कि टॉप सॉइल ड्राई हो रहा है तो आप उसे वाटर देना स्टार्ट कर दीजिए। समर में आप इसे फ्रिक्वेंटली वाटर करें और वाटरिंग हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग करें सो दैट कि वो दिन भर का जो गर्मी है उसे वो विथस्टैंड कर पाए और फ्रेश और हाइड्रेटेड रहे। और जब आप इवनिंग को पानी देते हैं तो रूट्स जो हैं रात भर गीले में रहते हैं जिससे रूट्स में फंगल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्लांट्स धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैक्सिमम रोज़ प्लांट फंगल ग्रोथ से ही डैमेज हो जाते हैं। वाटरिंग में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी प्लांट को हाइट से पानी नहीं देना चाहिए, इससे रूट्स एक्सपोज हो जाते हैं, डैमेज होते हैं और प्लांट्स को नुकसान होता है। तो कभी भी आप पानी दें तो स्लोली दें और नियर टू द रूट दें। हमेशा अपने पॉट में थोड़ा स्पेस छोड़ें सो दैट जब भी आप पानी दें तो वो उसमें रुक सके, रूट्स अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर सके। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आप उसमें कॉम्पोस्ट या कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं। मैं रोज़ प्लांट के लिए आपसे रिकमेंड करूँगी कि होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करें, होममेड कॉम्पोस्ट का यूज़ करें जो कि स्लोली न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं। मैं अपना कॉम्पोस्ट खुद घर में बनाती हूँ फ्रॉम किचन वेस्ट जो कि सुपर सिंपल इजी स्टेप्स से बनती है। आप भी घर में इजीली कॉम्पोस्ट बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने रोज़ प्लांट को हरा भरा कैसे रखें, एवरग्रीन कैसे रखें। रोज़ प्लांट में ब्राउन लीव्स होना कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर रोज़ प्लांट में दिखेगी। तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके प्लांट के सॉइल में है। इफ़ सॉइल आपके फिंगर्स में स्टिक हो रही है, आपके प्लांट को पानी ज़्यादा हो रहा है जो कि इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, वीड्स ग्रो कर जाते हैं पॉट में जो कि न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमें इसे रेगुलरली रिमूव करते रहना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी डेड लीव्स है जो कि प्लांट में भी लगी हैं और जो सॉइल में गिरी हुई हैं उसे रेगुलरली रिमूव करते रहना है क्योंकि यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये जो लीव्स है वो फंगस का कारण बनती है जो कि रूट्स में अटैक करेंगी, फिर स्लोली प्लांट्स को
डैमेज करेंगे। इफ़ आपके प्लांट्स हेल्दी दिख रहे हैं तभी भी आप रेगुलरली अपने प्लांट्स को पेस्ट के लिए चेक करते रहिए। डिजीजेस और फंगस अटैक बहुत इजीली हो जाता है रोज़ प्लांट। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि मंथली वंस नीम ऑयल का स्प्रे कर देते रहिए, तो ये आपके प्लांट को पेस्ट से दूर रखेगी। और अपने प्लांट को ऑलवेज फ्लावरिंग रखने के लिए इसे रेगुलरली एवरी 15 डेज में बनाना पील फर्टिलाइज़र देते रहिए, बिकॉज बनाना पील इज़ बेस्ट फर्टिलाइज़र फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर बूस्टर की तरह वर्क करेगी और आपके प्लांट को हेल्दी भी रखेगी और न्यू बर्ड्स और फ्लावरिंग भी इंड्यूस करेगी। और आफ्टर एवरी फ्लावरिंग जैसे ही फ्लावर ड्राई होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसे रिमूव कर दीजिए, साथ में इसके 2-3 लीव्स भी निकाल देंगे तो न्यू फ्लावर्स बहुत जल्दी प्रोड्यूस करते हैं। इसे प्लांट में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इससे डाईबैक का प्रॉब्लम आता है जिससे प्लांट्स टिप से स्लोली स्लोली ब्राउन होकर ड्राई होने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी बहुत सारे टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो गाइस, इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग वीडियोस बट हैवंट सब्सक्राइब्ड, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एज कम्युनिटी एंड रियली रियली सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।